तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो सबसे पहले आई एम सॉरी कि इतनी लेट वीडियो बना रही हूँ। मॉर्निंग का वादा किया था और इवनिंग हो गई है, क्योंकि टाइम नहीं मिला। पता नहीं इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना आज के टाइम में कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो उसके लिए सॉरी। और सबसे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, निंजा की वीडियो पर एक कमेंट आता है स्प्राइक 5802 का। वो बोलते हैं कि अब परी ही गुलाम बन गई होगी खुशी। तो उनको बता देती हूँ, पहली बात तो खुशी से मेरा कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, दूसरी बात परी गुलाम नहीं बनाती है, परी फ्रेंड बनाती है, थर्ड कि परी के अंदर कोई काबिलियत होगी जो लोग उससे कनेक्ट होते हैं। अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो आप चिड़िए मत, आप जलिए मत, जाके फ्रिज में से एक बार ठंडा पानी पी लीजिए, शायद आपको शांति मिल जाए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, खुशी और भागवती के। तो जैसे मैंने बताया था कि खुशी और भागवती की आजकल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं बताती हूँ आपको कुछ बातें जो आज मुझे मालूम चली खुशी के थ्रू। खुशी के साथ मेरा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, पर खुशी ने आज मुझसे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट किया, और अगर मुझसे कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है तो मैं उससे कॉन्टैक्ट ज़रूर करती हूँ। खुशी ने मुझे सारी कुछ बातें ऐसी बताई कि जिनको सुनने के बाद यार मेरे पैरों तले से भी ज़मीन खिसक गई कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या, लोग इस हद तक भी जा सकते हैं। फिर मुझे आज एक चीज़ पर बहुत प्राउड फील हुआ कि रश्मि, कि तूने सही डिसीजन लिया था मौली को सपोर्ट करके। अगर तू आज मौली को सपोर्ट ना करती तो बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी को अपने आप के अंदर से ही कुछ वो हो जाता। बहुत सही फैसला रहा था मेरा मौली को सपोर्ट करने का, और आज ही मेरा फैसला वही है, मैं मौली को ही सपोर्ट करती हूँ। मेरा जो वो है ना, वो डगमगाता कभी नहीं है। मैं जो स्टैंड लेती हूँ वो बहुत सटीक लेती हूँ, बहुत सोच समझ के लेती हूँ। मैं बिन पेदे की लोटी नहीं हूँ, कभी इधर कभी उधर लुढ़क जाती हूँ नहीं। मेरा हमेशा एक ही स्टैंड रहता है और वो हमेशा वही रहता है। अब बात करेंगे खुशी की और भागवती की। अच्छा, तो परी कुछ बताने लगी थी बीच में। तो अब फिर बात करते हैं हम, मेरे से कुछ बिष्ट ने क्वेश्चन पूछे थे कि खुशी को मेरा नंबर कहाँ से मिला, और अगर उसकी फ्रेंड ने दिया तो वो उसकी फ्रेंड कौन है। तो मैं अब बताना चाहती हूँ, जब खुशी से मैंने बात की तो वो नंबर खुशी को उन्हीं 25,000 लोगों में से एक खुशी थी जो 24,999 लोगों को नंबर नहीं मिला था, पर खुशी ने वो नंबर ले लिया था जब बिष्ट ने कोई वीडियो बनाई होगी उसमें से। मैंने भी देखी वीडियो कौन सी थी, पर उस वीडियो में से खुशी ने नंबर लिया था। और सारी बातें देखो नहीं बता सकती, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि नहीं बता पाऊँगी यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र ज़रूर करूँगी, जिनकी बातें जो बातें ज़रूर बताऊँगी यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, जब एक वीडियो आई थी मैंने जिक्र भी किया था कि ये लोग हरियाणा नहीं गए हैं, ये लोग जो भागवत ने बोला था कि हम दिल्ली के हरियाणा में आ गए हैं। तो दिल्ली हरियाणा दोनों अलग अलग स्टेट हैं, एक स्टेट नहीं है सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये किसी हरियाणा दिल्ली नहीं गए थे, ये लोग गए थे काशीपुर के ही एक विलेज में जहाँ पर ये खेती वगैरह होती है थोड़ी बहुत। परिधी अब वॉल्यूम कम करती भी की। तो ये लोग वहाँ पर गए थे, तो जब मैंने ये बात बिश से पूछी तो बिश ने बोला कि ये हमारे ये ही हमें भगा के ले गई थी। इसने बोला था कि वहाँ पर जाके ये नहीं बोलना कि आप काशीपुर के गाँव में आए हो, आपको बोलना है कि आप हरियाणा के किसी गाँव में आए हो। और जब मैंने ये बात खुशी से पूछी तो खुशी ने बोला कि नहीं दीदी, मुझे भागवती ने ही बोला था कि आपको ये बोलना है कि हम हरियाणा आए हुए हैं, ना कि हम काशीपुर किसी गाँव में, क्योंकि भागवती नहीं चाहती थी कि उसकी लोकेशन किसी को पता चले, क्योंकि उसको खतरा था। उसने पहले ही बोला है अपनी वीडियो में कई बार कि हम अपनी रियल लोकेशन जो है वो नहीं बताना चाहते कि हम कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद खुशी ने वीडियो क्यों डिलीट की, खुशी ने कहना है कि मैंने वीडियो डिलीट की क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं वीडियो डिलीट करूं। और सही बात भी है, अगर मेरे हस्बैंड भी कहेंगे कि नहीं परी ये रश्मि ये वीडियो डिलीट कर, तो मैं भी कर दूंगी यार, क्योंकि हस्बैंड से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। किसी के भी हस्बैंड अगर किसी भी वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलेंगे तो डिलीट कर देंगे। तो खुशी ने यही बोला कि मैं इस सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने वीडियो डिलीट कर दी। अगर मैं चाहती तो मैं बहुत सारी इन वीडियो को बना के व्यूज कमा सकती थी, बहुत सारी बातें मुझे ही पता है कि मैं बोल सकती थी, पर मैं इन सब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए मैंने वीडियो डिलीट कर दी। और
खुशी की, मैं अब भी बोलूँगी खुशी की सबसे बड़ी गलती खुशी की है, बहुत बड़ी गलती खुशी की है कि उसने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा करा और अनजान व्यक्ति को अपने घर ऐसे बुला लिया, वो भी अपने हस्बैंड को बिना बताए। तो शायद मेरे हस्बैंड तो मुझे कभी माफ़ भी ना करते अगर मैं ऐसा कुछ करती। तो गलती खुशी से हुई है और वो एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ दीदी मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो खुशी की सबसे बड़ी गलती यही है। और जो आप बता रहे थे विष्ट की, उसने मकान मालकिन को जाके ये सब कुछ बोला हमारे बारे में, तो वो एक्सेप्ट करती है, हाँ दीदी मैंने बोला, मैंने पूछा उससे, उसने बोला कि हाँ दीदी मैंने बोला ये सब कुछ, मैंने बोला कि ना तो ये इसकी पत्नी है, और इसने यही बोला मुझसे कि मैंने यही बोला कि ना तो वो इसकी पत्नी है और ना ये इसका पति है। और इन्होंने जब सारी वीडियो बनाते हैं ये लोग, तो इन्होंने शादी की वीडियो क्यों नहीं बनाई अपनी। और मैंने मौली की वीडियो भी मकान मालकिन को दिखाई और मैंने ये भी बोला कि लाइफ में अगर कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगी। मैंने कमरा धुआया था, पर अब मैं कहती हूँ कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कहती कि मुझे दीदी बहुत सही सच्चाई इन लोगों की जब मालूम चली ना, तो मेरे भी मैंने इनसे दूरी बनानी स्टार्ट कर दी उस टाइम पर। और बोलती है जो बिष्ट बोलते हैं कि इसके पापा और इसके भाई से बात नहीं करते, ये नहीं करते वो करते, तो वो हर फैमिली में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। मैं ये बोल चाहूँ खुशी को भी, खुशी को तुमने कुछ बताया भी है ना, ये कोई भी बताता है, तो अपनी इतनी पर्सनल बातें मत शेयर करो किसी के साथ कि तुम उसे अपने घर तक की बातें बता दो। आज एक बार बताती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे यूट्यूबर जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं, पर हमारी बात सिर्फ दो टॉपिक पर होती है, यूट्यूब वीडियो। इसके अलावा कभी घर की पर्सनल बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। शेयर भी करते हैं पर्सनल बातें तो वो अपने तक, आज तबीयत ख़राब है, आज घर में ये हो गया, आज घर में वो हो गया, पर कभी ये शेयर नहीं करते कि मेरे पति मेरे साथ मारते हैं या मेरे मायके वाले मुझसे बोलते नहीं हैं या मेरे साथ ये होता है, ऐसे कभी कोई वीडियो हम बातें शेयर नहीं करते आपस में। और जो मुझे बातें अब बताई भागती ने, सॉरी खुशी ने, हमसे रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई उसने मुझे, गीता से रिलेटेड और विष्ट की बहुत सारी बातें बताई उसने मुझे, पास से रिलेटेड, गीता गुन्नू से रिलेटेड, मौली से रिलेटेड, जो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पर ना बोल सकूं। जो उन लोगों ने इतना गलत बोला है अपनी बेटी के लिए, गीता के लिए, कि मैं उस वो बातें शायद इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकती, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो मैं नहीं बोल पाऊँगी, इतना गलत बोला है। पर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी जो मुझे लेकर बोला गया है, कि परी लोग जो हैं वो गीता एक झूठी औरत है और वो हमें बदनाम कर रही है गीता के साथ मिलके। तो एक बार बता दूँ, बदनाम उसको किया जाता है जिसकी कोई इज्जत होती है। दूसरी बात, ना मैं झूठी औरत हूँ और ना मैं झूठी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, मैंने कभी किसी के झूठ का साथ नहीं दिया। और जो मुझे भागवती ने वाली खुशी ने वाली बात बताई अपने से रिलेटेड, कि मुझे ये बोला गया कि वो हमारे बच्चों का इसलिए यूज कर रही है ताकि वो अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करा सके अपने मेरे बच्चों से, और वहाँ पर ले जाकर अपने घर ले जाकर और उनको मतलब बेच वगैरह सके। तो एक बता दूँ हमारे घर में ना, तो एक बता दूँ हमारे यहाँ ना लड़कियों को पूजा जाता है, ना कि लड़कियों को बेचा जाता है, ठीक है। मैं भी माँ हूँ, मेरी बच्ची है, मौली से बात करें कम से कम मुझे 3 से 4 महीने हो गए मैंने मौली से बात नहीं की है। दूसरी बात, अगर मैंने उसको सपोर्ट किया है ना तो बच्ची मान के किया है, जितना प्यार अपनी बच्ची से करते हैं ना शायद उतना ही मौली के लिए भी था और है और हमेशा रहेगा, ठीक है। और ये जो तुमने गलत बात बोली है ना मुझे लेके कि बच्चों को बेचना, ये ना ये हमारे यहाँ काम नहीं होता है, और इन कामों का हरना तो हमें पता है, ये काम उन लोगों को पता है जो ये काम करते हैं। तो आइंदा मेरे को लेकर ऐसी बात कभी दिमाग में लाना ही मत, और कभी ये गलतफहमी अपने दिमाग में पालना मत, ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मुझे लेके तुम लोग ये गलत वर्ड बोलोगे। और रही मेरे सासू की बात, तो अगर पहले तो वो इस दुनिया में है नहीं, वो भगवान के पास जा चुके हैं, अगर उनकी अगर वो होते हैं ना तो उनकी सेवा करने के लिए उनके 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, पोता पोती हैं, ठीक है। उनकी सेवा मैं तुम्हारे बच्चों से नहीं कराती कभी भी, और ना मैं इस तरह की हूँ, मैंने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है, ना कि लोगों को मोटिवेट किया है, ना कि डीमोटिवेट किया है।
और एक बात और बता देती हूँ तुम्हें, जो इन्होंने भागवती उनको मन की गरम दीदी को लेकर बोला है कि खुशी उनको कमेंट कर, और खुशी ने मेरे पास कभी गलत कमेंट नहीं किया, मैं आज ही बोलती हूँ खुशी ने मुझे लेकर कभी गलत कमेंट नहीं किया है। और जो मन की कलम दीदी के लिए बोला है कि उस बुढ़िया को मैसेज कर, कमेंट कर, वो एड्स की बीमारी है, उसे टीबी की बीमारी है, तो खुशी ने मना कर दिया कि मैं ऐसे कमेंट नहीं करूँगी। तो एक बार बता दूँ, ना तो वो एड्स की बीमारी है, ना ही वो टीबी की बीमारी है, ठीक है। एड्स की बीमारी होती है कैरेक्टर लेस लोगों को, वो कैरेक्टर लेस नहीं है, वे एक आर्मी की, वो एक फौजी की बेटी हैं, ठीक है। और जो उनके हस्बैंड है ना, वो दिल्ली सचिवालय में बैठते हैं, वो एक पढ़ी लिखी बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी हैं, जो हमेशा अच्छे वे में कमेंट करती हैं। अगर उनको ये सब कुछ करके वो करना होता ना, व्यूज कमाने होते, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे वीडियो बनाने के, पर वो इस तरह के चैनल पर ना तो चैनल है इस तरह का, ना वो इस तरह की वीडियो डालती हैं। और जो गीता गुन्नू के लिए बोला गया है, गीता के लिए बोला गया है, और जो बोली के लिए बोला गया है, शायद वो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। अपनी माँ को लेकर कोई, अपने बच्चों को लेकर कोई तक गलत भी बोल सकता है, वो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। और रही खुशी की बात, तो मैं भी बोलूँ गलती खुशी की भी है, ऐसा नहीं खुशी गलती नहीं है, सबसे पहली गलती ही खुशी की है। और एक बार बता दूँ, देखो इतने सारे कट्टे घूम के रखे हैं, इधर भी रखे हैं और उधर भी रखे हैं, इधर भी रखे हैं, अभी ना सिर्फ ये आधी गेहूँ निकली है, ठीक है, आधी भी पूरी नहीं निकली है, इससे ज़्यादा गेहूँ अभी हमारे खेत में खड़ी है जो कटनी लग रही है, ठीक है। तो इस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है। तुम लोगों की तरह ऐसे वैसे वो नहीं करती हूँ बिल्कुल भी मैं, कि मुझे इन सब चीज़ों की वो है, लोड है, कि तुमने बच्चों को लेकर मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं ना, आज के बाद मुझ पर कभी मत लगाना, ना तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ना ही ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ, और ना ही कभी ये सब कुछ सीखा है। अगर गांव में भी रहती हूँ ना, तो ऐसे नहीं रहती हूँ। तुम्हें दिखाइए भी कितनी गेहूँ रखी है, और ये भी सिर्फ आधी से भी आधी आई है, इतनी ही गेहूँ अभी कटनी बाकी है, इतनी गेहूँ अभी आनी बाकी है। ठीक है, और बहुत सारी बातों की नॉलेज रखती हूँ पहले से, जैसे उसने बताया खुशी ने कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो CRPF रिटायर हैं, मेरी जो ननद है वो जज हैं, और जो मेरे नंद के हस्बैंड हैं वो हाई कोर्ट में वकील हैं। तो एक बता दूँ खुशी, मेरे भी फादर जो है ना वो सब इंस्पेक्टर हैं, और मेरे पूरी फैमिली ही इसी चीज़ से रिलेट करती है, पूरी फैमिली ही पुलिस में है। और एक बता दूँ, तुम इतना सब कुछ, तुम्हारी फैमिली में ऐसे लोग हैं, उसके बावजूद भी तुम ऐसे उसमें फंस गई, उसके बावजूद तुमने ऐसा कदम उठाया, किसी को फ़ोन कर रही हो, नंबर निकाल के ये कर रही हो, वो कर रही हो। यार मैं भी बस, मैं अब क्या बताऊँ, इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी, वरना मुँह से बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाएंगी जो नहीं बोलना चाहती हूँ। और ये मुझे बहुत सारी बातें बताई खुशी ने, मार पिटाई होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ बताया, बताने को मैं सारी बातें रख सकती हूँ, सारे स्क्रीन शॉट लगा सकती हूँ, पर मैं नहीं लगा रही हूँ, बहुत बड़ा वो समझना, नहीं तो मेरे पास इतने सबूत है ना, इतने सबूत है ना अब, कि बस मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद ये वीडियो बनाई है, और जो, और मैं खुशी को बोलूँगी, खुशी बोलती है कि मुझे धमकी देते हैं, मुझे ये करते हैं करते हैं, किस धमकी से डरती हो, कुछ गलत काम किया है तुमने जो धमकी से डरती हो, कि अगर हमने कुछ गलत काम नहीं किया है तो हमें किसी की धमकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है तो तुम फंस सकती हो, लेकिन अगर तुमने लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो क्या ज़रूरत है किसी से कुछ भी डरने की। हम तो नहीं डरते किसी से, हमें रोज़ धमकी देते रहो, जब हम गलत हैं ही नहीं तो हमें खुद धमके, तो हम डरते नहीं किसी से।